तो आज हम जानेंगे LG के 2146BR मॉडल के बारे में। कन्वेक्शन मॉडल है ये, ऑल इन वन पर्पज से मॉडल है ये। आप इसमें माइक्रो मोड पर स्टीमिंग, बॉइलिंग, रीहीटिंग वाले सारे काम कर सकते हैं। ग्रिल मोड पर आप रोस्टिंग एंड ब्राउनिंग कर सकते हैं। कन्वेक्शन मोड पर आप बेकिंग और क्रिस्पी कर सकते हैं चीज़ों को, और कॉम्बी में आप भरवा चीज़ें भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे अलग अलग ऑटो कुक मेन्यूज भी दे रखे हैं इस मॉडल में। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि अगर हमें माइक्रो मोड पे कोई भी चीज़ बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, या इसमें टाइमिंग कैसे सेलेक्ट करेंगे, या पावर लेवल कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं माइक्रो मोड को प्रेस कर रही हूँ और माइक्रो मोड प्रेस करने पर यहाँ मेरे पावर लेवल्स लिखे हुए आ रहे हैं। अब मैं इस माइक्रो मोड को बार बार प्रेस करूँगी तो उसका पावर लेवल कम होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 480, 320 एंड 160। जनरली 21 लीटर्स माइक्रोवेव में जो पावर लेवल हमारा शुरू होता है वो 800 वॉट्स से होता है, और अगर आप 28 लीटर माइक्रोवेव परचेज कर रहे हैं तो उसमें जो वॉट्स हमारे शुरू होंगे वो 900 वॉट्स से स्टार्टिंग होंगे, यानी कि 900 पावर लेवल आपका सबसे ज़्यादा पावर लेवल होगा। तो ये हमारा सबसे लोएस्ट है। अब अगर हमें 160 पावर लेवल पर टाइमिंग देना है तो आप कैसे देंगे? देखिए, पहले आपने माइक्रो मोड को बार बार प्रेस करके 160 पावर लेवल सेट किया, उसके बाद आपने जितना भी टाइमिंग देना है, आपने सेकंड्स में देना है या मिनट्स में देना है, वो आप टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा पावर लेवल पे हो गया टाइमिंग सिलेक्शन। अब हम इसे स्टॉप करेंगे। वापस से अगर हमको माइक्रो मोड पर सपोज 640 वॉट्स पर हमें टाइमिंग देना है तो पहले हम 640 वॉट्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से टाइमिंग देंगे और फिर हम इसे स्टार्ट कर देंगे। अब हमारा अगला मोड आता है ग्रिल मोड। ग्रिल मोड पर जनरली हमारा कोई पावर लेवल, कोई टेम्परेचर नहीं होता है। अगर हमें रोस्टिंग एंड ब्राउनिंग करनी है तो हम लोग ग्रिल मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिल मोड आपने सेलेक्ट किया और यहाँ हमारा ये सिलेक्शन होके हमने इसके बाद टाइमिंग सेलेक्ट किया, जितना भी आपको इसमें टाइमिंग देना है, सेकेंड्स में देना है, मिनट्स में देना है, वो आप यहाँ से टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। जनरली हम लोग ग्रिल मोड पर हाई रैक का यूज़ करते हैं, ये जो आपको माइक्रोवेव के साथ में आप देख रहे हैं ये हाई रैक आपको मिलता है, और कन्वेक्शन मोड पर हम ये लो रैक यूज़ करते हैं, और साथ में आपको ये टर्न टेबल मिलेगा जो आपको सेट करना पड़ेगा माइक्रोवेव के अंदर, और टर्न टेबल के ऊपर ही हमें रख के कोई भी चीज़, कोई भी आइटम्स जो हम बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वो टर्न टेबल के ऊपर ही रख के करते हैं। तो देखिए, ये आपका हाई रैक है, इसको हम ग्रिल मोड पे यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टॉप करते हैं। अब हम कन्वेक्शन मोड की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ग्रिल मोड समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन मोड पर अगर हम जाते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो देखिए ये हमारा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर शो करेगा 21 लीटर्स माइक्रोवेव में, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्सियस अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए ये हमारा कन्वेक्शन मोड है। तो अब अगर हमें कन्वेक्शन मोड का टेम्परेचर बढ़ाना है तो यहाँ से हम आगे बढ़ाने के लिए जो प्लस वाला आपके माइक्रोवेव में ऑप्शन दिया होता है प्लस और माइनस का, यहाँ से आप टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब हमने ये प्रेस किया तो देखिए टेम्परेचर हमारा यहाँ से बढ़ जाएगा और इसमें लास्ट हमारा 220 तक जाएगा। अब देखिए, मैं एक बार और करती हूँ तो ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि सबसे लोएस्ट। स्टार्टिंग हमारी 180 डिग्री सेल्सियस से ही होती है कन्वेक्शन माइक्रोवेव में। अब जैसे हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी चीज़ बनानी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे पहले, और उसके बाद आप यहां से टाइमिंग देंगे जितना भी आपको टाइमिंग देना है, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे ओवन को। स्टॉप करते हैं। अब एक जनरली जब हम लोग केक बेक करते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं तो काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मैडम प्रीहीट कैसे सेलेक्ट करें, या अगर हमारा प्रीहीट माइक्रोवेव हो गया है तो हम टाइमिंग कैसे लगाएं। तो मैं आपको इस मॉडल में बता देती हूँ। कन्वेक्शन मोड पर जाएंगे आप सिंपल, और अगर आपको 200 डिग्री सेल्सियस पर सेलेक्ट करना है, कन्वेक्शन पर जाएंगे और आपके जो प्लस वाला ऑप्शन दिया होता है इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका 200 डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ओवन को दो बार स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमारा प्रीहीट ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। जनरली जब हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं या केक बनाते हैं, मफिन्स बनाते हैं या बिस्किट्स बनाते हैं तो हम लोग पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट करते हैं, उसके बाद इसमें टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा जैसे कि प्रीहीट चलता रहेगा जब तक कि इसमें साउंड नहीं आ जाएगा, और कम से कम 8 से 10 मिनट में प्रीहीट हमारा कम्प्लीट हो जाता है। इसे स्टॉप करते हैं। और अगर हमें कन्वेक्शन मोड पर टाइमिंग देना है तो देखिए, सबसे पहले आप कन्वेक्शन पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अब जैसे हमको 180 डिग्री सेल्सियस पर ही टाइमिंग देना है तो हम यहाँ से टाइमिंग देना है, जितना भी हमको टाइमिंग देना है वो हम यहाँ से टाइमिंग देंगे, चाहे आपको 10 मिनट्स के डिफरेंस पे देना है या आपको 1 मिनट के डिफरेंस पे देना है, वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको कन्वेक्शन मोड अब समझ में आ गया होगा। दो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होते हैं कन्वेक्शन पर, एक प्री हीट मोड और एक अगर हमें कन्वेक्शन मोड पर टाइमिंग देना है तो। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कॉम्बी मोड पर। कॉम्बी मोड पर जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन सी रेसिपीज बनेंगी, कब यूज़ होगा। तो देखिए, जनरली कॉम्बी मोड हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमें स्टफ भिंडी बनानी है या स्टफ कैप्सिकम बनाना है, स्टफ टमाटर बनाने हैं, तो हम कॉम्बी मोड का यूज़ करते हैं।
कॉम्बी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर हम पहले कॉम्बी पर जाएंगे, उसके बाद हम ग्रिल करेंगे, देन माइक्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जितना भी इसमें टाइमिंग देना है वो हम टाइमिंग देंगे और स्टार्ट कर देंगे। अब हमें कॉम्बी टू अगर सेलेक्ट करना है तो कॉम्बी टू के लिए पहले हम कॉम्बी मोड प्रेस करेंगे, देन कन्वेक्शन करेंगे, फिर हम माइक्रो करेंगे। ये तीनों मोड आपको प्रेस करने पड़ेंगे अगर आप कॉम्बी मोड पे कोई भी रेसिपी बना रहे हैं। और जनरली जब हम लोग इसमें स्टफ भिंडी तैयार करते हैं, थोड़ा सा हमें क्रिस्पीनेस चाहिए होती है भिंडी में, या कैप्सिकम में हमें क्रिस्पीनेस चाहिए, तो हम लोग कॉम्बी मोड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने 160 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमारा टेम्परेचर, उसके बाद हम यहाँ से टाइमिंग देंगे, देन हम स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑटोकुक मेन्यूज़ की तरफ। कंपनी आपको माइक्रोवेव में ऑटोकुक मेन्यूज़ प्रोवाइड करती है। ये देखिए, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ऑटोकुक मेन्यूज़ में हम रेसिपीज़ कैसे बनाएं। तो देखिए, ये आपके ऑटोकुक मेन्यूज़ यहाँ पर दे रखे हैं। इंडियन कुजीन दे रखा है, लो कैलोरीज दे रखा है, स्टीम कुक दे रखा है। जो ऑप्शन आपके यहाँ दे रखे हैं वही ऑप्शन आपके यहाँ भी आपको शो करेंगे। देखिए, जैसे कि अगर आपको स्टीम कुक में कोई भी रेसिपी बनानी है, ST1 से ST10 तक इसमें नंबर हमारे दे रखे हैं। आपको जब भी आप माइक्रोवेव परचेज करेंगे तो साथ में आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट मैनुअल मिलेगा। उस मैनुअल में आपके कोड के हिसाब से रेसिपीज लिखी हुई होंगी कि आपको कौन सी रेसिपी बनानी है। अब आप क्या करेंगे, जैसे हमें स्टीम कुक में ST5 नंबर की रेसिपी बनानी है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, हमें स्टीम कुक में ST5 नंबर की रेसिपी बनानी है। अब आपको जो ST5 नंबर पे जो रेसिपी आ रही होगी वो आपको मैनुअल से देखनी होगी। ST5 नंबर पे हमारी कौन सी रेसिपी मैनुअल में दे रखी है, वो आपने अपने अकॉर्डिंग रेसिपी सिलेक्ट किया। और हम यहाँ जाएंगे अब स्टीम कुक में, और यहाँ हम इसको 5 बार प्रेस करेंगे। अपनी रेसिपी आप सिलेक्ट करेंगे। रेसिपी सिलेक्ट करने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ हमारा वेट लिख